आज का दिन जो कि दिल्ली में फ्लड और ये हम निजामुद्दीन ब्रिज से गुजर रहे हैं और ये टाइम अभी 5:54 है, जहाँ के हम गुड़गांव से 4:15 चले थे और आज हम यहाँ 5:54 पर आ गए हैं। फ्लड यूँ तो टीवी के ऊपर लोग फ्लड दिखा रहे हैं, ये डूब गया, वो डूब गया, पता नहीं क्या क्या डूब गया। यहाँ थोड़ा सा पानी मैं इधर दिखा देता हूँ, बट यहाँ यस पानी तो है जमुना जी के अंदर। पर फिर भी हमारा जो निजामुद्दीन फ्लाईओवर है उसके ऊपर कहीं कोई, आप देख सकते हैं कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि यहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है और हम बड़ी हंसी खुशी के साथ निकले जा रहे हैं। लेफ्ट साइड में बहुत सारे से ट्रक इन्होंने रोके हुए हैं ताकि ट्रक मूवमेंट शायद बैन किया हुआ है और जो कार मूवमेंट है उसको यहाँ खोला हुआ है। तो मुझे लगता है कि आज यूँ तो जितना ट्रैफिक दिखाया गया, हम गुड़गांव से हिरोडा चौक से राइट को टर्न करते हुए सरवन बॉर्डर से होते हुए ढोलकुआ आए, ढोलकुआ से 11 मूर्ति तक आए और 11 मूर्ति से अकबर रोड लेते हुए हम कहीं इंडिया गेट, जो कि पुराना किला रोड था, उससे होते हुए और हम ये यहाँ पर अक्षरधाम राष्ट्रमंडल खेल जो यहाँ पर था वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हम भी कुछ कहना नहीं चाहते क्योंकि हम भी ये नहीं चाहते कि हम कहीं जाम में फंसे रहें। और ये पानी राइट साइड में आप देख पा रहे हैं कि जमुना जी का पानी यहाँ राइट साइड में आ गया है। तो हाईवे तो बिल्कुल सुरक्षित है जो गडकरी जी ने बनाया और ये अच्छा धाम की तरफ भी बहुत सारे लोग, यहाँ पानी यहाँ तक पहुँच चुका है, यहाँ भी लोग देख रहे हैं गाड़ी खड़ी कर करके। बट एक चीज तो बोलना पड़ेगा कि गडकरी जी ने जो फ्लाईओवर बनाया वो वाकई पिछले बहुत सारे सालों के रिकॉर्ड लिए होंगे, जिसमें उन्होंने इतना ऊंचा बना दिया कि बाढ़ का पानी जो है ना वो इस फ्लाईओवर को टच नहीं कर सकता। यानी नितिन गडकरी जी की जो सोच है ना उसको कभी पूरा टच नहीं कर सकता। तो यहाँ से हम अभी अक्षरधाम तक पहुँच चुके हैं और भगवान की कृपा से, मैं अभी तक यही कहूँगा कि भगवान की कृपा से अभी तक तो हम यहाँ पहुँच गए। बाकी लोग, हमारे जो साथ वाले ऑफिस के लोग थे, वो कह रहे थे कि भैया तुम मेट्रो में चले जाओ कार को छोड़ के। तो हमें भी लगा था कि शायद ठीक ही कह रहे होंगे, पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो, मैं यहाँ नाम तो नहीं लेना चाहता, पर मेरे कश्मीरी फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं वर्मा जी, आज तो सारे लोग जो है ना 2 भाग गए होंगे, तो आज जब आप 5 निकलोगे यानी 4:30 ऑफिस से निकलोगे तो पूरा रोड खाली मिलेगा और आप आराम से पहुंच जाओगे। मुझे लगता है कि उस कश्मीरी सोच जो कि वो रखते हैं, और उन्होंने बड़ी अच्छी सोच थी कि यहाँ पर बिना किसी ट्रैफिक के, बिना किसी भीड़ के, बिना किसी ट्रैफिक जाम के, और हम आराम से इस निजामुद्दीन पुल से होते हुए क्रॉस करते हुए, हालांकि हमारे दिल में बहुत ज़्यादा डर था क्योंकि GPS जिस पर हम विश्वास करते हैं वो कह रहा था कि भैया कश्मीरी गेट से होके चलो। तो हमने उसकी बात को नकार दिया कि तू जितना बताता चल, हम तेरी आज बात नहीं मानेंगे, हम तो निजामुद्दीन पुल से होके जाएंगे। और वो निजामुद्दीन पुल की जो बात थी वो बिल्कुल ठीक निकल गई और हम यहाँ पर बिना किसी रोक टोक के, जो कि अभी 6:02 हैं और हमारा गाजीपुर अभी 3 किलोमीटर दूर है, लोग यहाँ 70 और 75 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहे हैं,
हालांकि हमारी कार भी कोई 60 किलोमीटर की स्पीड पे, मैं दिखा देता हूँ आपको। ऐसा तो आम जिंदगी में और आम दिन में कभी होता नहीं है, पर एक होता है ना कि आदमी सोचता है यार बाढ़ कहाँ से आ गई, इसकी वजह से पूरा जनजीवन व्यस्त हो गया। अपने जो ऑफिस हैं, गवर्नमेंट कह रही है वर्क फ्रॉम होम करो, पर भैया वर्क फ्रॉम होम तो कर लो, ठीक बात है, बाढ़ से डर गए हो जरूर कर लो, पर यह रोड तो खाली पड़े हुए हैं। मैं तो वीडियो दिखा सकता हूँ और जा रहा हूँ उसको दिखा सकता हूँ, तो मेरी नज़र में आज यहाँ पर इतना खाली रोड शायद हमने कभी नहीं देखा जो आज तक आज था, और इतनी जल्दी भी हम कभी गुड़गांव से हिरोना चौक से कभी भी दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन तक नहीं पहुँचे जो हम आज पहुँच रहे हैं। पर चलो, हमारा खुशनसीबी है कि हम आज यहाँ पर सही टाइम पर पहुँच रहे हैं, इसके लिए हम भगवान को ही दुआ देते हैं कि उन्होंने इतना बाढ़ होते हुए भी दिल्ली का निजामुद्दीन पुल इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है, उसका धन्यवाद गडकरी जी को जो कि इस पे पानी कहीं टच भी नहीं कर सका और बाढ़ सोच भी नहीं सकती कि कभी नितिन गडकरी जी के सपने को वो चूर चूर कर दे, ऐसा भी नहीं कर सकती। तो मुझे किसी व्यक्ति विशेष से कोई लगाव नहीं, पर परफॉर्मेंस ही ऐसी दिखाती है जो यहाँ पर आप देखेंगे कि देखो, ना तो कोई बाढ़ का खतरा और ना कोई भीड़ का खतरा, ना कोई जाम, आराम से निजामुद्दीन पुल आराम से जा रहा है, ना कोई इस पे भीड़ है, और हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसका इनॉग्रेशन किए थे। तो मुझे लगता है कि ये स्पेसिफिकेशन भी निजामुद्दीन पुल के अच्छे बनाए गए, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी बनाई गई, और ये बाढ़ ग्रस्त बाढ़ रहित क्षेत्र में से होके गुजारा गया। और हम यहाँ पर अब गाजीपुर पहुँच चुके हैं, आपने हमारी वीडियो देखी होगी, यहाँ पर भी ये सामने जो रोड जा रहा है वो मेरठ जा रहा है नॉन स्टॉप, लोग 40 मिनट में मेरठ पहुँच जाएंगे। इसमें वर्मा जी ने एक चीज़ और ऐड